वेलकम टू द चैनल। आई नो बहुत टाइम हो गया है, मैंने एक्चुअली कुछ अपलोड किया है इस चैनल पे क्योंकि मैं बिजी थी। बिजी किस में? शादी करने में। तो आई नो आई एम ऑलमोस्ट 2 months ये सब प्रिपरेशन एंड शादी में चला गया है एंड फाइनली नाउ आई एम ट्रैवलिंग। आई मीन बहुत टाइम से ट्रैवल नहीं किया, कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं बनाया, सो आई वाज लाइक ओके इनफ ऑफ दैट, अब स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली शादी के बाद पहला ट्रिप तो कोलकाता था जो मैंने रिकॉर्ड कर पाई बिकॉज इट वाज स्पेशल, बट एक्चुअली यूके में मेरा पहला ट्रिप मेरे हस्बैंड के साथ है नॉरिच। सो आज मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं लंदन टू नॉरिच वाया ग्रेट एंग्लिया, जो सिर्फ 2 hour का ट्रेन जर्नी है एंड लेट्स गो देयर एंड सी क्या है वहां पे। रीच नॉरिच। ओके सो द आउटसाइड इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए बिकॉज हम ब्रेकफास्ट करके नहीं आए, सो अभी कहीं ढूंढते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन हम एक्चुअली घूमने जाएंगे। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें ये एक जगह मिली है जहाँ आप पंटिंग कर सकते हैं। प्राइजेस मैं नीचे जाके चेक करने के बाद बताऊंगी कि क्या है, बट डेफिनेटली इट लुक्स लाइक कि यहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये रेस्टोरेंट एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है बाय द वाटर। लेट्स सी अगर यहाँ पे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस अच्छे हैं तो। वन गुड थिंग अबाउट ट्रैवलिंग इज हर बार प्लानिंग करनी ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं बहुत बार हमेशा प्लान करके जाती हूँ कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे इसके बाद ये उसके बाद वो, पर ज़रूरी नहीं है। सी अभी मैंने सोचा नहीं था कि कहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, बट दिस लुक्स लाइक अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट, सो वहीं चलते हैं। काफ़ी सुंदर है, रात को ये डेफिनेटली अच्छा दिखता होगा। अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पहुंचे हैं नॉरिच कैसल। डू यू नो ये कैसल एक्चुअली 900 ईयर्स अगो एक रॉयल पैलेस था, बट उसके बाद इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ प्रिजन फॉर अबाउट 500 ईयर्स। इंटरेस्टिंग इजंट इट? ऑनेस्ट रिव्यू, मुझे कैसल इतना अमेजिंग नहीं लगा कि मैं उसमें पैसे स्पेंड करूँ और अंदर जाऊँ, सो हम तो अंदर नहीं जा रहे हैं, बट अगर आपको जाना है तो टिकट्स आर अवेलेबल and you can see this is the castle, so no we are not going in, but haan ek cheez achhi hai ki if you come to the corner you can get a view of the cathedral yahan se jo hamara next stop hai वैसे भी, तो वहां चलते हैं। This is the Royal Arcade, यहाँ पे आप शॉपिंग करने आ सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइनर आउटलेट्स हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं, ज्वेलरी, क्लोदिंग, शूज, गैलरीज, फूड इवन। सो या आपको एंटीक्स में इंटरेस्ट है तो आई थिंक सो दिस इज द प्लेस फॉर यू। यहाँ पे बहुत सारे एंटीक कलेक्शंस हैं, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। कहाँ है शहर के लोग, मुझे इतने कम लोग दिख रहे हैं, या तो हॉलिडे के हिसाब से लोग बाहर चले गए हैं, इतने लोग हैं शहर में खाली। बहुत कम होता है कि किसी टूरिस्ट जगह पे जाओ वो भी वीकेंड में और इतना खाली मिलता है। वन वे अनदर एक्चुअली अच्छा ही है,
आराम से फोटोज ले सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं, चिल कर सकते हैं। ये शहर के लोग ये रहे सारे गाड़ी लेके, बस लेके कहीं तो सारे। चलो चलते हैं कैथीड्रल, जो अगेन वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट्स इन नॉरिच है, जाके देखते हैं। हैरी पॉटर के चाहने वालों, देख लो इस जगह को अच्छे से और मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये कौन सी मूवी में आया था। एंड ये जगह मत भूलना, कैथेड्रल के अंदर से ही एक प्लेस है जहां आपको पूरे कैथेड्रल का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा, सो डू नॉट मिस दिस आउट। इन गौरव स्टॉम रेवाडो, नहीं कैसे बोलते हो तुम? रेवादरे बाबा। कैसे फिर से? रेवादरे बाबा। चलो चलो ओके, रेवादो लेकिन अंदर चलो। है फिर से बोलो, रेवादो लेकिन अंदर चलो। चलो ओके, वी आर बैक विद द रूम टूर। It's pretty decent. The bed is quite small for sure. I mean, not the size I was expecting. They have TV. The view is of the parking, so it's fine. Yeah, I think so. It's okay, I would say. The bathroom is clean and nice. So yeah, I'm good. अभी मैं खड़ी हूँ मेरे होटल के जस्ट बाहर, जहाँ पे एक लाउंज एरिया जैसा बना है, आई मीन बाहर सिटिंग एरिया जैसा है, वेयर यू कैन चिल, आप बैठ सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। आप चाहें तो एक्चुअली डिनर बाहर भी कर सकते हैं, नहीं तो रेस्टोरेंट एक्चुअली अंदर है विच इज़ कॉल्ड नमस्ते इंडिया। सो अगर आप इंडियन ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस रेस्टोरेंट में आएँ।